इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उस टॉपिक का नाम है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, यानी कि इस टॉपिक के माध्यम से हम जानेंगे कि जो सर्वेइंग है उसको करने के लिए हमारे पास कौन कौन से बेसिक्स प्रिंसिपल हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं हम। द फॉलोइंग टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग शुड बी कैप्ट इन व्यू व्हाइल डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि ये लाइन कहती है कि हमारे पास दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सर्वेइंग के लिए, और वो जो दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सर्वेइंग के लिए उन्हें करने के लिए हमें कुछ नजरिए की आवश्यकता है। ठीक है, तो वो नजरिया हमें रखना होगा कि हम उस नजरिए से सर्वेइंग करें ताकि हम क्या ज्ञात कर सकें, डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि हम वो पॉइंट ज्ञात कर सकें जो कि पृथ्वी की सतह के ऊपर हैं। ठीक है, तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि वो दो बेसिक्स प्रिंसिपल्स कौन से हैं। तो फर्स्ट है डिटरमाइनिंग सुटेबल मेथड फॉर लोकेटिंग ऑफ पॉइंट, यानी कि पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए हमें डिटरमाइन करना होगा क्या मेथड, कि किस मेथड के द्वारा हम इन पॉइंट को लोकेट कर सकें। सेकंड, वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट, यानी कि हमें पूरा वर्क करना पड़ेगा किस पे, होल पार्ट पे, यानी कि जिस पे हम सर्वे करने वाले हैं। तो आइए फर्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं कि डिटरमाइनिंग सुटेबल मेथड फॉर लोकेटिंग ए पॉइंट। आइए हम ज्ञात करते हैं उन मेथडों को जिनसे हम लोकेट कर सके, किनको, पॉइंट्स को लोकेट कर सके, व्यवस्थित या स्थित कर सके पॉइंट्स को। ठीक है, तो ये बोलता है इट इज ऑलवेज प्रैक्टिसेबल टू सिलेक्ट टू पॉइंट इन द फील्ड। यानी कि ये कहता है कि हम है दो पॉइंट सिलेक्ट करते हैं फील्ड के अंदर प्रैक्टिकली, एंड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन दो पॉइंट के बीच में हम दूरी को ज्ञात करते हैं। जैसे कि आपने ये पॉइंट देखा, एक पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट, यानी कि एक और दो, जब इन दोनों पॉइंट के बीच की बात कर रहे हैं तो हमें क्या पता चलेगी, डिस्टेंस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर बाय टू पॉइंट प्लेस इन ए कन्वीनियंस पोजीशन। अब हमने दो पॉइंट तो डाल दिए, उनके बीच की दूरी भी पता कर ली, बट ये लाइन कहती है कि वो जो दीज पॉइंट, यानी कि वो जो पॉइंट है उनको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, अब वो रिप्रेजेंट कहाँ पे करेंगे, हम पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन दो पॉइंट्स को, उन दो पॉइंट्स को हमने जब पेपर पर रिप्रेजेंट करा, प्लेस करा। ठीक है, और किस मोड में करेंगे, कन्वीनियंस पोजीशन में। कन्वीनियंस पोजीशन का अर्थ होता है सुविधाजनक पोजीशन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है फ्रॉम दीज इनिशियल पॉइंट्स आल्सो नोन एज रेफरेंस पॉइंट, यानी कि जो हमारे इनिशियल पॉइंट्स होते हैं, कौन से पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम, जो हमारे इनिशियल पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा हम उन्हें कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो आपसे कोई बोले ये इनिशियल पॉइंट्स है, तो आप उसका दूसरा नाम क्या बता सकते हैं, कि ये रेफरेंस पॉइंट भी है। एंड अदर कैन बी लोकेटेड बाय टू सटेबल मेजरमेंट इन द फील्ड, और क्या होता है कि हम उनको लोकेट करते हैं, लोकेट करते हैं बाय टू सटेबल मेजरमेंट। ठीक है, दो पॉइंट हैं, उनके बीच की जो दूरी है उसको हम नापेंगे। ठीक है, और लोकेट करेंगे उन दो पॉइंट को, कि उस दूरी के लिए उन दो पॉइंट को हमें कहाँ लोकेट करना है। ओके, एंड ड्रॉन इन देयर रिलेटिव पोजीशन ऑन द सीट, और उन दो पॉइंट को जिनको हमने फील्ड में
लोकेट किया था उसी को सीट में करेंगे एस एस, यानी कि सेम एस। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट सो ऑब्टेन सर्व इन टर्न टू फिक्स पोजीशन ऑफ अदर्स। अब हमने क्या करा, जब पॉइंट्स को ऑब्टेन कर लिया तो पॉइंट्स ऑब्टेन करने के बाद क्या होता है, हमें फिक्स पोजीशन मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि एक सीट है, सीट पे हमने ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया। अब हमें क्या हुआ, ये दोनों पॉइंट्स को हमने जब मिलाया तो हमें एक फिक्स पोजीशन मिल गई, वो हमने ड्रोन कर दी सीट पे। अब हम चलते हैं द कॉमन मेथड ऑफ लोकेटिंग अ पॉइंट सच एज एस। यानी कि अब हम क्या करेंगे, हमें पॉइंट सी जो है वो लोकेट करना है। ठीक है, वो कॉमन मेथड क्या होगा उसको भी जानना है विद रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट। और किसके रिस्पेक्ट में हमें सी पॉइंट जो लोकेट करना है, वो दो पॉइंट होंगे। वो दो पॉइंट कौन से होंगे, सच एज ए हो सकता है, होगा, और बी होगा। ठीक है, आर इलस्ट्रेटेड। अब हम यहां पे जानेंगे ये ए बी सी डी ई, ये जो आपको दिख रहे हैं पॉइंट, इनके द्वारा आप सीखेंगे कि पॉइंट्स को किस तरह लोकेट किया जाता है। तो पहला पढ़ते हैं हम डिस्टेंस ए सी एंड बी सी, यानी कि डिस्टेंस ए सी और बी सी आर मेजर्ड। इसको हमने मेजर करा, हमने मेजर करा कि ए सी और बी सी कितना है, एंड सी इज प्लॉटेड, और हमने सी को प्लॉट कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है सी को हमने कैसे प्लॉट करा, तो पढ़ते हैं द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू आर्क्स विद सेंटर ए एंड बी। यानी कि जो ये सी पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट क्यों है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं ए सी पे मिल रहा है और बी भी सी पे मिल रहा है, तो ये ए सी और बी सी बनाता है इंटरसेक्शन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है ये रेडी द मेजर डिस्टेंस, और हम रेडियस भी मेजर कर सकते हैं, यानी कि ए सी क्या होगी, बी सी क्या होगी, ये है आर्क। ठीक है, ये क्या है हमारी आर्क, और हमारा जो रेडियस है वो रेडियस क्या होगा, वो रेडियस भी हमारी AC और BC ही होगी। ठीक है, उसके बाद बोलता है दिस मेथड इज मच यूज इन चेन सर्वेइंग। इस मेथड को हम यूज करते हैं चेन सर्वेइंग के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं परपेंडिकुलर CD एंड डिस्टेंस AD और BD। यानी कि ये बोलता है कि हमारा जो है सी डी क्या है, परपेंडिकुलर है, किस पे है, ए बी पे, यानी कि ए डी और बी डी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर है सी डी, मेजर करा हमने एंड सी इज प्लॉटेड। उसके बाद हमने क्या करा, सी को प्लॉट करा, किसके द्वारा करा, बाय द यूज ऑफ सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर क्या है, हमारी डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसके द्वारा हमने क्या करा, सेट करा BD और AD पे C प्लॉट करा। दिस मेथड इज टर्म एज ऑफसेटिंग इज यूज फॉर लोकेटिंग द डिटेल्स। इस तरह पॉइंट्स को हम ऑफसेटिंग बोलते हैं, इस तरीके के मेथड को हम ऑफसेटिंग बोलते हैं, और इसका हम प्रयोग करते हैं लोकेटिंग द डिटेल्स में, लोकेट डिटेल्स में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे डिस्टेंस ए सी एंड एंगल बी ए सी। यानी कि डिस्टेंस ए सी और एंगल बी ए सी, यानी कि ये एंगल बोलता है मेजर, यानी कि इसको मेजर करो, एंड सी इज प्लॉटेड बाय मींस ऑफ प्रोटेक्टर। और हमने जो सी है पॉइंट वो किसकी मदद से ड्रॉ करा है, प्रोटेक्टर की मदद से, या हम बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल की मदद से। तो दिस मेथड इज यूज्ड ट्रेवर्सिंग, तो इस मेथड को हम यूज करते हैं ट्रेवर्सिंग में, यानी कि हमने ये सी प्लॉटेड करा है, ये प्रोटेक्टर के द्वारा प्लॉट करा है। नेक्स्ट डी बोलता है एंगल ए बी सी एंड बी ए सी, एंगल ए बी सी
ए बी सी और एंगल बी ए सी, ठीक है, ये आपको दो एंगल पता चल गए। ओके, आर मेजर्ड एंड सी इज प्लॉटेड बाय द प्रोटेक्टर। जो सी प्लॉटेड है वो किसके द्वारा है? प्रोटेक्टर के द्वारा। और बाय द सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो दिस मेथड इज मच यूज इन अ ट्रायंगुलेशन। तो ये जो मेथड है ये होता है हमारा ट्रायंगुलेशन के अंदर प्रयोग, और फॉर एक्सटेंसिव वर्क, एक्सटेंसिव वर्क के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एंगल है बी ए सी और ए बी सी, तो ये हमने किसके द्वारा प्लॉटेड करा है? प्रो ट्रायंगुलेशन, प्रोटेक्टर के द्वारा, ठीक है। तो हम इसका यूज कर सकते हैं ट्रायंगुलेशन में। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ई, एंगल बी ए सी एंड डिस्टेंस बी सी आर मेजर्ड एंड सी इज प्लॉटेड बाय प्रोटेक्टर और ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व। यानी ये बोलता है एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी एंड BC डिस्टेंस एंड सी, एंड सी प्लॉटेड बाय प्रोटेक्टर। यानी कि इनने बोला कि हमारा एंगल BAC और BC क्या है? डिस्टेंस है हमारी। तो हम जो C को प्लॉट कर रहे हैं ना, वो किसके द्वारा कर रहे हैं? वो कर रहे हैं प्रोटेक्टर के द्वारा, या हम बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकली के द्वारा। तो दिस मेथड इज ऑफ माइनर यूटिलिटी एंड इज यूज एक्सेप्शनल केसेस। यानी कि इस तरह के जो मेथड है हम कब यूज करते हैं? जब हमें माइनर यूटिलिटी यानी कि बहुत माइनर उपयोगिता की आवश्यकता होती है, माइनर उपयोगिता चाहिए, ठीक है, कि बहुत ही कम आवश्यकता है हमें, या फिर एक्सेप्शनल केसेस, असाधारण केसेस में, तो इस तरीके से हम प्रयोग करेंगे। अब कुछ बातें, वन और मोर देन वन ऑफ द अबव मेथड, यानी कि एक या एक से अधिक जो ऊपर हमने मेथड पढ़े हैं उनमें से मे बी एम्प्लॉयड इन द सेम सर्वे, उनमें से किसी को भी हम प्रयोग कर सकते हैं सर्वे में, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल फॉर द एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट। और जब हम उन मेथडों का प्रयोग करेंगे तो उन मेथड को प्रयोग में लाने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी, और उन इंस्ट्रूमेंट से हम लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट भी निकालेंगे। नेक्स्ट, ए सर्वे में देयरफॉर बी कंडक्टेड इन सेवरल वेज, यानी कि जो सर्वे है वो कंडक्ट होता है सेवरल यानी कि कई वे में, कई दिशाओं में, बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड। यानी कि कहीं कहीं पे हमें ऐसा महसूस होगा कि जब हम सर्वे करेंगे तो दो मेथडों को एक साथ यूज करके हम सर्वे करेंगे, ठीक है। उसके बाद बोलता है इंस्ट्रूमेंट डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस ऑफ सर्वे, और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे सर्वे के अंदर वो डिपेंड करता है कि आप सर्वे किस प्रकार का कर रहे हैं, एंड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। और अगर हमें ये जानना हो कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, अगर हमें ये जानना हो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट है नेचर ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री का नेचर, प्रकृति कैसी है, ये फैक्टर डिपेंड करता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पे। सेकेंड पॉइंट, द एक्सटेंट ऑफ सर्वे, एंड थर्ड पॉइंट इज टाइम अवेलेबल। तो ये तीन फैक्टर हैं जो कि डिपेंड करते हैं किस पे? डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पे। अब हम करते हैं सेकेंड, वर्किंग फ्रॉम होल द पार्ट, यानी कि पूरे पार्ट को वर्क करना, पूरे पार्ट पे वर्क करना। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी पार्ट किसका है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेथड का, ठीक है, सर्वेइंग के अंदर। तो इन सर्वेइंग एन एरिया इच, यानी कि जब हम किसी एरिया को सर्वे करते हैं तो इट इज एसेंशियल टू स्टेबलाइज, तो जरूरी हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल पॉइंट, तो जरूरी हो जाता है कि
वर्क जिस जगह पे हम कर रहे हैं वहां पर जो पॉइंट्स है वो कंट्रोल हो विद ग्रेट प्रिसिशन, यानी कि शुद्धता के साथ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है माइनर कंट्रोल पॉइंट्स कैन देन बी स्टेबलाइज्ड बाय द लेस प्रिसाइज मेथड। यानी कि जब हम माइनर कंट्रोल पॉइंट यानी कि माइनर पॉइंट को कंट्रोल करते हैं तो कैन देन स्टेबलाइज, तो हम उनको स्टेबलाइज कर सकते हैं किसके द्वारा, लेस प्रिसाइज मेथड के द्वारा, यानी कि वो मेथड जिनकी ज्यादा जरूरत नहीं है, यानी कि वो मेथड जिनमें हमें ज्यादा एक्यूरेसी की आवश्यकता नहीं है। एंड द डिटेल्स कैन बी लोकेट आफ्टरवर्ड बाय द मेथड ऑफ ट्रायंगुलेशन और ट्रेवर्सिंग बिटवीन द कंट्रोल पॉइंट्स। और वो मेथड कौन कौन से होंगे, वो मेथड होंगे ट्रायंगुलेशन और ट्रेवर्सिंग, जिनकी वजह से हम कंट्रोल पॉइंट्स के बीच में सर्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिस वे द माइनर एरर्स आर ऑटोमेटिकली कंट्रोल। यानी कि इस वे में, यानी कि जब हम सर्वे करते हैं होल द पार्ट, तो हमारा जो माइनर एरर्स होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। एंड लोकलाइज एंड डू नॉट एक्युमुलेट, और वो संग्रह नहीं होगा, यानी कि जो एरर्स होंगे उनका संग्रह नहीं होगा, वो इकट्ठा नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इफ वी वर्क फ्रॉम पार्ट टू द होल, जब हम वर्क करते हैं होल पार्ट पे, तो द स्मॉल एरर आर मैग्नीफाइंग, तो जो स्मॉल एरर है वो मैग्नीफाइंग होगा, यानी कि प्राप्त होगा किसी ना किसी क्वांटिटी में, एंड बिकम अनकंट्रोलेबल एट द एंड, और आखिरी में वो क्या होगा, अनकंट्रोलेबल होगा, यानी कि उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने इस तरीके से प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ सर्वेइंग पढ़ा, या प्रिंसिपल मेथड ऑफ सर्वेइंग पढ़ा, इंट्रोडक्शन। तो